जय श्री राम। और आज जब नरेंद्रानंद सरस्वती जी प्रधानमंत्री बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, उन्होंने साफ कहा कि जो लोग ये कहा करते थे कि राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या में आग लग जाएगी, अयोध्या में सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन देखिए राम मंदिर बन गया और बदलती हुई अयोध्या तो आप, मैं, पूरा देश या पूरी दुनिया भी देख रही है। भगवान राम जब सिंहासन में विराजते हैं तो राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। राम राज्य का तात्पर्य था स्वधर्म, स्वसंस्कृति के अनुसार चलन करना। और कोई ऐसी समस्या नहीं है दुनिया की कि जो राम के जीवन चरित्र से उसका निदान ना हो सके। राम चाहे वाल्मीकि चाहे तुलसी के योन अद्भुत चरितम रघुनाथ से सत कोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसक महापातक नाशनम। 100 करोड़ वाल्मीकि ने जो चर्चा किया, 100 करोड़ रामायण में अगर उनका शासक कैसे हो तो अपना शासन की दृष्टि से नारी का पति के प्रति क्या व्यवहार हो, सास के प्रति क्या हो, पारिवारिक वातावरण क्या हो, बड़ा भाई का छोटे भाई के प्रति क्या बर्ताव हो, भरत और राम का चरित्र तो ये अनुकरणीय है समाज के लिए। तो रामचरितमानस जो राम का चरित्र है, अगर विश्व के लोग उसको अपनाएं तो दुनिया से व्याधि जो एचआईवी है, अगर एक पत्नी व्रत का निर्वाह करें, उसके पहले चक्रवर्ती थे, अनेकों रानियां थी, लेकिन नारियां पतिव्रता होती थी, लेकिन एक पत्नी व्रत का निर्वाह करते हुए विश्व को जो पाथे दिया था, जो आज हार्ट की बीमारी है, लीवर, किडनी, एचआईवी, अगर राम का चरित्र दुनिया के लोग अपने जीवन में अपना लें तो मतलब स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। हाँ, एकता समाज का होगा, समरसता का निर्माण होगा, भयमुक्त समाज का वातावरण होगा और देशद्रोही मानवता के शत्रुओं का विश्व पटल से उन्मूलन होगा। यही तो राम राज्य है। एक घाट में सिंह और सियार, एक घाट में गाय और शेर पानी पिए, यही तो राम राज्य है। मतलब विरोधाभास का अंत हो जाए, सबके अंदर प्रेम का संचार हो जाए, नफरत घृणा मिट जाए। राम राज्य का है कि अगर जो अनीत मैं भाखो भाई, अगर मैं अनीत करता हूँ, एक नीचे प्रकृति का व्यक्ति जब जगत जननी पराम्बा सीता पर अंगुली उठाता है तो राजा भी उसका निर्वासन कर जंगल में भेज देता है। मतलब ये ही राम राज्य है कि जनता के अंतिम पंक्ति की बात सुनी जाए और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को न्याय मिल सके। समान शिक्षा नीति, समान न्याय प्रणाली और समान कानून जिस दिन इस देश में लागू होगा तो यही तो राम राज्य है, यही ईश्वरी राज्य है, यही धर्म राज्य है। रामो विग्रहवान धर्मः, पूरा जीवन उनका धर्ममय समर्पित रहा। धर्म के लिए उन्होंने जन्म से लेकर और अंतिम समय तक जीवन निर्वाह किया, धर्म के विपरीत एक आचरण नहीं किया। और अगर धर्म, धर्मस्य विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, विश्व की प्रतिष्ठा का आधार धर्म है। विखंडित, विभाजित, असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने की प्रेरणा धर्म देता है। अभ्युदय निषेध सिद्धि सधर्म नोदना लक्षण अर्थो धर्म, या यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्य हम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म पर आक्रमण होता है, धर्म पर प्रहार होता है, तो जो योगिंद्र मुनिंद्र परमहंस वीतराग तपस्वियों के ध्यान में वो परमात्मा नहीं आता तो परमात्मा के अवतार का प्रयोजन। ऋषि मुनियों को भक्षण करते थे, गायों को निवाला बनाते थे और जगह जगह यज्ञ की अग्नि, ब्राह्मणों के मुखों की ध्वनि, वेदक ध्वनि प्रतिबंधित हो गई थी। लेकिन जब राम का राज्य हुआ, जन्म हुआ, तो अग्नि की कुंड की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती है,
जो विप्रों का मुख एक तरह से सुषुप्त पड़ गया था, मौन हो गया था, अचानक उनके मुखों से खड़ंगो धेयो वेदो गेयाश्चा 1131 शाखात्मक वेदों की ऋचाएं अनायास गुंजायमान होने लगी। और देखिए तो राम का तात्पर्य था, राम राज्य का संकल्प था, और जब जब सनातन पर प्रहार हुआ, हमारा परमात्मा कहीं राम के रूप में, कभी वामन के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं जगत जननी पराम्बा दुर्गा के रूप में, ये रक्त बीज महिषासुर चंडमुंड जैसे समाज के जो विरोधी तत्व है, सनातन का ये स्वर्णिम काल है और यही कहा जा रहा है। और ये स्वर्णिम काल परिलक्षित भी हो रहा है तस्वीरों में लगातार। इंडिया टीवी पर आप राम की पैड़ी भी की वो तस्वीरें भी देख रहे होंगे जिसमें दिए जल रहे हैं।